आमिर खान की फिल्म मेला तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में आमिर खान और ट्विंकल खन्ना के अलावा आमिर के बड़े भाई फैजल खान ने भी काफी तारीफें बटोरी थी। लेकिन अब आमिर जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, तो वहीं उनके भाई फैजल खान गुमनाम हो चुके हैं। फैजल एक वक्त में बॉलीवुड में काफी पहचाने जाने लगे थे, लेकिन जब फिल्में नहीं चली तो उनको मानसिक बीमारी हो गई। लेकिन अब आमिर के फैंस को डबल डोज मिलने वाला है, क्योंकि उनके भाई फैजल खान 19 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं। जी हां, दर्शकों ने फैजल को फिल्म मेला में आमिर खान के साथ देखा होगा। इस फिल्म के बाद उन्होंने आमिर पर कई आरोप लगाए थे। फैजल ने ये भी आरोप लगाया था कि आमिर उन्हें बंदी बनाकर रख रहे हैं, जिसके चलते फैजल खान के मानसिक हालत पर भी कई सवाल उठे थे। मानसिक हालत ठीक न होने के चलते फैजल कुछ समय के लिए घर से भाग भी गए थे। अब फैजल को फिल्मों में बड़ा ब्रेक मिला है। फैजल को फिल्म फैक्ट्री ऑफर हुई है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस फिल्म में फैजल खान एक्टिंग के अलावा सिंगिंग भी करेंगे। फैजल ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 6 या 7 फिल्मों में ही काम किया है। मानसिक हालत बिगड़ने के बाद फैजल को फिल्म में मिलना बंद हो गई। फैजल ने आमिर खान पर अपनी प्रॉपर्टी हड़पने का भी आरोप लगाया था। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म चिनार दास्तान इश्क में फैजल आखिरी बार नजर आए थे। अब फैजल खान फिल्म फैक्ट्री से बतौर हीरो कमबैक करने के लिए तैयार हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म पर फैजल खान ने कहा, ये फिल्म मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब फिल्म के डायरेक्टर शिरिक मिन्हाज ने मुझसे कहा कि इश्क तेरा गाना उन्हें ही गाना पड़ेगा। शिरिक का कहना था कि इस गाने के लिए मेरी आवाज काफी ज्यादा सुटेबल है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 19 साल बाद कमबैक करने वाले फैजल खान अब भी काफी ज्यादा हैंडसम है। सोशल मीडिया की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।